दोस्तों, आज अस्वस्थ जीवन शैली के कारण उत्पन्न बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। यह बीमारी पूरी दुनिया में एक महामारी बन गई है। भारत में अनेक लोग मोटापा के शिकार हैं। मोटापे के कारण शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती है। जब परेशानियां बढ़ने लगती है तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। कई बार उचित जानकारी नहीं हो पाने के कारण लोग अपना वजन नहीं घटा पाते हैं। हम आपको वजन घटाने के लिए अनेक घरेलू उपाय बताएंगे। इन असरदार उपायों द्वारा आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोटापा है क्या आखिर। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का शरीर का वजन सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे मोटापा कहते हैं। आप रोज जितनी कैलोरी भोजन के रूप में लेते हैं, जब आपका शरीर रोज इतनी खर्च नहीं कर पाता है तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में जमा होने लगता है, जिससे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। अधिक वजन वाले व्यक्तियों के शरीर में अधिक मात्रा में चर्बी जमा हो जाता है। यह शरीर में धीरे धीरे गलत दिनचर्या, प्रदूषण और अपच के कारण होती रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मोटापा कम करने के लिए घरेलू नुस्खे। इसके पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। नंबर वन, मोटापा कम करने का घरेलू नुस्खा है नींबू और शहद। नींबू और शहद एक साथ शरीर के वजन को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और नींबू के रस, दो बड़े चम्मच और एक चुटकी पीसी हुई काली मिर्च डालकर मिला लें और सुबह खाली पेट पिए तो आपका मोटापा कुछ ही दिनों में कम होने लगेगा। शहद और नींबू कई वर्षों से मोटापा कम करने का घरेलू उपाय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। नंबर टू, ग्रीन टी की मदद से मोटापा कम करें। ग्रीन टी की वजन कम करने के में काफ़ी मदद करता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार लगातार ग्रीन टी का सेवन करने से पेट की अतिरिक्त वसा कम होने लगती है। वैसे तो आप ग्रीन टी का सेवन दिन में 3 बार कर सकते हैं। वहीं अगर ग्रीन टी का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो ये पेट की वसा कम करने में अधिक प्रभावी होता है। ग्रीन टी का सेवन करने के लिए 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी मिलाइए और इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल लें। इसे बिना चीनी के पिए तो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहे तो ग्रीन टी में 1/2 चम्मच शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। नंबर थ्री, मोटापा दूर करने का रामबाण इलाज, शहद और दालचीनी। शहद और दालचीनी का सेवन करने से मोटापा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, दालचीनी का तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में इसका अधिक सेवन न करें। शहद और दालचीनी का सेवन करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 2 दालचीनी की जड़ें और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं। रोज सुबह खाली पेट दालचीनी और शहद का सेवन करें, मोटापा दूर हो सकता है। यह घर पर रहकर ही वजन घटाने का आसान तरीका है। नंबर फोर, मोटापा को दूर करने का घरेलू इलाज है कच्चा लहसुन चबाएं। लहसुन एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है और हर भारतीय की रसोई में पाया जाता है। वजन कम करने के लिए आप रोज सुबह कच्चे लहसुन की 2 या 4 कलियां चबा सकते हैं। यह मोटापा को दूर करने में काफ़ी हद तक सहायता है। साथ ही साथ लहसुन आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि लहसुन में बहुत तीखी गंध और अजीब स्वाद होता है, लहसुन का सेवन करने के बाद आपकी दांत की अच्छी तरह से ब्रश करके साफ कर ले, क्योंकि कच्चे लहसुन का गंध पूरे दिन आपके मुंह के अंदर रह सकती है। नंबर फाइव, मोटापा कम करने में सौंफ का सेवन करें। सौंफ का सेवन करने से मोटापा कम होता है। नंबर सिक्स, मोटापा को कम करने के लिए खीरा को खाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है खीरे में 90% पानी होता है। खीरे फाइबर समृद्ध और कोलेस्ट्रॉल मुक्त होते हैं। यह आपको ताज़ा रखते हैं, विषाक्त पदार्थों को शरीर से निकालते हैं और आपकी त्वचा में सुधार लाते हैं। नंबर सेवन, पेट के मोटापे को कम करने में मदद करता है गाजर। पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है गाजर। यदि आप सुबह
रोज खाली पेट एक गिलास गाजर का जूस पी ले तो ये निश्चित रूप से आपके पेट का वजन कम कर देगा। नंबर 8, मोटापा दूर करने में फायदेमंद है लौकी। लौकी भी खीरे की तरह फाइबर से समृद्ध होती है और उसे बिल्कुल वसा नहीं होती है। आप लौकी की सब्जी बना के खा सकते हैं या इसके रस निकाल कर भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो को चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।